लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई ये यकीन कैसे कर सकता था कि जिस विमान दुर्घटना में बोस की मौत हुई थी उसी विमान में सफर कर रहे आईएनए ऑफिसर रहमान और जापानी ऑफिसर नाकामुरा को कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि बोस के करीबी अय्यर भी बोस की मौत की खबर मानने को तैयार नहीं थे। मैं सच कह रहा हूं अय्यर, नेताजी का ऊपरी शरीर बुरी तरीके से जल चुका था। रहमान मैं क्या, कोई भारतवासी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि नेताजी अब जिंदा नहीं रहे। Bose's upper body was badly burnt. I used my coat to put out the fire. विमान दुर्घटना की कहानी जितनी बार सुनाई गई और जिसने भी सुनाई एक अलग कहानी सुनाई, लेकिन अंत में बोस की मौत पर आकर सब कहानी एक हो जाती थी। Can we fly down Netaji's body to Singapore? The size of the coffin, it won't fit in the aircraft. हम में से किसी ने भी उनकी बॉडी को नहीं देखा और तुम लोगों ने हमारे बगैर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इतनी क्या जल्दी थी? So then we can transport his body by ship. That won't be possible. The body is in such a bad condition. It could start decaying any moment. And the chemicals required to preserve the body is not available in Formosa. ठीक है, एक बार को मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन एक फोटो, एक अंतिम फोटो भी नहीं है तुम लोगों के पास उनके परिवार के लिए। टेक द फोटोग्राफ्स। डोंट टेक फोटोग्राफ ऑफ द फेस। बॉडी प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे क्योंकि केमिकल्स नहीं थे। जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार करना पड़ा। चेहरे की एक फोटो तक नहीं ली क्योंकि नेताजी का चेहरा जल के झुलस गया था। डू यू सीरियसली एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दैट? What is that you're not telling us? What are they not telling us? It's a British contingent on its way to Taiwan to look for Bose. Where are you, Bose? The hell are you? सरकार अभी अभी तो बोस आया है जेल से, कुछ दिन तो बैठ सकते हैं आराम से हम। हमारा मतलब कुछ दिन तो आराम से बैठेगा वो। He's a loose cannon. Even Gandhi can't control him. Put all eyes on him. Yes, sir. Darbari Lal.
आयो सरकार। अंग्रेजी सरकार की पुलिस इंटेलिजेंस ने अपने कई जासूस बोस के पीछे लगा दिए। उन्हें इंतजार था किसी बड़े कांड का। आज तो दोनों हाथ से एक साथ रुको पैटर्न में सामने दो इस टाइम सा एक दूसरे को नहीं मारना है अंग्रेजों को मारना है ऊपर नीचे सर पे ब्लॉक ठीक है चलो सो ही इज टीचिंग देम टू फाइट विद स्टिक्स And you're sure it's only sticks? There are no guns involved. अरे लठई थे ना, बंदूक तो नहीं थी। नहीं साहब, लेकिन खबर पक्की है। बोस का अब अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। लठई तो की सेना? एक और बात सरकार, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए कैंप भी लगाया था। जासूसों का पूरा कुनबा बोस के पीछे लगा था, और बोस जैसा कानून परस्त इंसान नहीं था। स्टैनली भी जासूसों की गप और कहानियों से चिड़चिड़ा होता जा रहा था। साहब, खबर पक्की है। बोस की शादी कांग्रेस लीडर किरण शंकर रॉय की बहन के साथ होने वाली है। और साहब, मुझे ये पता चला है कि बोस की शादी के बाद किरण शंकर रॉय उसे इंग्लैंड भेजेंगे वकालत पढ़ाई करने के लिए। अरे जब बोस बाबू सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिए हैं, वो लंदन काहे जाएंगे वकालत पढ़ने? कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, समय खराब कर दिया साहब का। जाइए आप। ठीक है साहब। Put more men on him, Darbari Lal. I need good men. In fact, I want you to be his shadow. हम सरकार, हम क्या पता कर लेंगे जो ये पहुंचे लोग नहीं कर पाए? You have an edge over them. You know him. लेकिन अगर हम सुभाष बाबू को जानते थे तो वो भी हमको अच्छी तरह से जानते थे। কোথায় যাচ্ছিস? এদিকে। একটু চাই দিয়েছিল। আমি আসছি। দাদা পয়সা দিয়ে যান। কাকিমা। সুভাষ, থাক থাক। কেমন আছো? ভালো। তুই কেমন আছিস? ভালো আছি। ইতনি বারিশ মে কাহাঁ সে আ রহে তু? বাড়ি সে। उधर क्या देख रहे तो? वो कौन है? अंग्रेजी सरकार का जासूस है। तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से कौन सा आंदोलन शुरू कर रहे तो? चाय थे? खावी? आंच। दरबारी, दरबारी, आओ, आओ, ले लो। नहीं ठीक। ले लो, बारिश हो रही है, बेकार में क्यों भीग रहे हो? धन्यवाद दोस्तों। चलो। नहीं। ले लो, गर्म है। सिगरेट लोगे?
ले लो, नहीं बताऊंगा स्टैनली को। ठीक। क्या पता लगा मेरे बारे में? यही कि आप बहुत ढीठ है बोस बाबू, बहुत परेशान करेंगे अंग्रेजी सरकार को। यही बताओगे जाके स्टैनली को? खुद ही जान जाएंगे, अब बहुत इंटेलिजेंट है। जाओ घर जाओ, बारिश हो रही है, बीमार हो जाओगे। ये छाता लेके जाओ, कल आओगे ना जासूसी करने वापस, तब ले आना। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। और सुनो, जासूसी ना थोड़ा दूर रह के करते हैं। जाओ। बोस बाबू तिलस्वी इंसान थे, आंख बंद और डब्बा गायब। इसी तरह महीनों हम बोस के आगे पीछे गश्त लगाते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जाओ घर जाओ। जो लंका कांड हमारे पीठ पीछे वो रच रहे थे, उससे सब कुछ बदलने वाला था। नमस्कार दादा। नमस्कार। ये आपका पार्सल, यहाँ जरा साइन कर दीजिए। जॉन खाबिन ना? ठीक है, धन्यवाद। ए पोस्टमास्टर बाबू। जी बोलिए। अंदर कहे गए थे पार्सल देने? किसके लिए पार्सल? सुभाष बाबू का। सुभाष बाबू का, जरा दिखाइए तो। अच्छा बढ़िया, यहाँ रख लें? मतलब आप जाइए अभी, चलिए चलिए चलिए। अजीब परेशानी है। Darbari Lal says a uniform got delivered to Bose's house. Apparently, it was a GOC's uniform that was mistakenly delivered to Fort Williams. The officers at Fort William had quite a laugh about it. It was an army uniform. Doesn't that bother you? That Bose likes to pretend to dress up. Who knows? सरकार हमको भी यही लगता है। बोस बाबू बहुत सारा चीज केवल हम लोग को परेशान करने के लिए करते हैं। केवल एक ही वर्दी था, अभी बताइए कोई बहुत बड़ा बात थोड़े है। बोस बाबू ने खाकी वर्दी क्यों मंगवाई थी ये किसी को पता नहीं था, और इससे पहले ये गुत्थी सुलझ पाती। 1928 में कलकत्ता की सड़कों ने वो देखा जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। बोस बाबू 2000 लोगों के साथ सड़क पे थे। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सिर्फ तमाशा देखती रही। Your Excellency, had we known nonsense. How can you have not known 2,000 people would descend upon our city wearing uniforms and carrying weapons? That chap Bose has made a perfect arse out of us. You have got to get a grip on things. Do you know you were a traitor to the Empire? He gave me money. I made him clothes. सब क्लोथ नहीं, यूनिफॉर्म बनाया आपने। You helped raise a standing army against the British Raj. But I was just trying to make... Some Indian comes and gives you money, you make him uniforms. I was... To fight against your own people. Do you have any idea how much trouble we are in? I will make sure that you never do business again in this city. But please listen, I... Just shut up! लेकिन तुमने किसी से बात भी नहीं की इसके बारे में। क्या बात करनी होने दा? कि हिंदुस्तानियों की अपनी फौज होनी चाहिए या नहीं? प्रतीक कुछ बोलो। देश मेरा है, लोग मेरे हैं, मैं क्यों किसी से कुछ पूछूंगा? ये हथियार, ये शोर शराबा हमारे उसूलों के खिलाफ है सुभाष। किसने बनाए हैं उसूल और क्या मिला है हमें इन उसूलों से आज तक? आपको पता है हमारी गुलामी की असली वजह क्या है? आप लोग की ये सोच और अहिंसा। करना क्या चाहते हो तुम सुभाष? अंग्रेजी सरकार से बात चल रही है हमारी। इतने सालों से बात ही कर रहे हैं प्रतीक, मिली आजादी तो इससे तो और घबरा जाएंगे ना। अच्छी बात है ना, कभी तो वो लोग भी घबराए, पर अभी तो मुझे तुम लोग ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम। गांधी जी बड़े दुखी होंगे तुमसे। अंग्रेज भी बहुत दुखी है। गांधी जी, बोस बाबू ने जो 2000 लोगों की फौज लेकर फोर्ट विलियम्स पर धावा बोला, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मिस्टर गांधी, doesn't this go against your basic tenets of ahimsa?
in your country, England, don't they have the Bertram's Mill Circus? That is all it was. A circus. But, Ashutu, but then, no. Are you going to pay? No. Best. चलिए बस आओ खाना खा लो वहीं खा लीजिएगा खाना खा लेने दो मुझे लगा तुम्हारे साथ भूल गई मुझे इस बार कौन सी दफा लगाई है आप चलिए ना वहीं सुभाष कल सुबह मैं तुम्हारी बेल करवा लूंगा आज शुक्रवार है आपका तीन दिन तक बेल नहीं हो पाएगा सुभाष और आपके दिमाग आ गया अंग्रेजी सरकार में मैं ये खाना जेल में भिजवा देना थोड़ा ज्यादा भिजवाना चुत्ता बहुत पसंद है दरबारी को नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे क्या हुआ पिछले कुछ महीनों में इतना नमक खाया हमारा दरबारी अब क्या शर्माना और वैसे भी नमक हरामी से तुम्हें कोई परहेज नहीं है मतलब तुम्हारे जैसे लोगों को So now you've got yourself a uniform. Last time when we were selling you khaki, you had a problem. And now that we are buying khaki from you people, you still have a problem. You descended on the streets of Calcutta with 2,000 people. What makes you think you can do that? Because it's my country. And I'm free to do whatever I want. I don't need anyone's permission. Do you really think you can get away with this? Mr. Stanley, I always get away. April 1928. Subhas Chandra Bose. Dangerous enemy of the British Raj. He can't be controlled by Congress. They had an army of 2,000 natives today. Their numbers are going to surge. What is the news from Taiwan? Bose may still be alive. Are you sure? If he returns to India now, neither the British government or the Indian Congress will be able to stop him. No one has seen this file. Kinji Watambe says that he saw Bose get on the plane with four big boxes, 5 feet by 2 feet, all filled with the INA gold. How much gold do you think that would be, Darbari Lal? सरकार सोना हीरा जवाहरात तो लोग भर भर के दिए आए इन्हें औरतों ने किलो के हिसाब से अपना शरीर का गहना दिया है He was carrying so much gold. But wasn't he going to Singapore to surrender? So why was he carrying so much gold? Stan. Is it that Bose chap? Aren't you getting a little obsessed now? Just get done with it, will you? We're getting late for the show. Let's go. Stanley, you're not listening to me. Sorry, dear one. He's the greatest escape artist ever. I wish I could see him in person. Who? लोगों का मानना था कि बोस 4 बक्सों में 11 किलो सोना लेकर गए थे लेकिन स्टैनली का मानना था कि 4 बक्सों में सिर्फ 11 किलो सोना नहीं हो सकता था About 11 kgs of gold were recovered from the attaché case that Bose carried on the plane. हाँ, हम नहीं समझे सरकार। He was carrying 4 giant boxes, 5 feet by 2 feet. मतलब? You don't carry 11 kgs of gold in 4 huge boxes. Bose escaped. The crash was a ruse. Oh.
দাদির ডাক লাখ 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 শত্রু চোখে চোখ রাখ রাখ র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন্ডিরো তকবগারো সাহস দাঁড়ালো উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি রহস্যময় ইনসান পকড়না আসান কার্য কারণ মে সবসে বিধ্বস বম লাশ বিমান মে মরে না মরে সওয়াল বস বনা হ্যায় বোস ডটে বনকে সরাস লড়ে ঝুমকে খিলাফ ডালি ঘোরো কে আঁখো মে বোস কি সড়কো পর মাস মিলে হমে ইনসান ভারত সংঘর্ষ পর লিখি গি বোস